हाई एवरी वन आस्था गांधी वेलकम टू एज हिस्ट्री कंपेनियन सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक नंबर टू ऑफ चैप्टर सिक्स भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशंस पोइट सेंस एमर्ज एज लीडर्स एंड डेवलप्ड अ कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज तो जो संत वगैरह होते थे वो घूम घूम के औरली जो अपने विचार हैं वो ट्रांसफ़र करते थे तो एक तरफ से एक तरह से मतलब पोइट कहलाने लगे तो फिर जब जैसे वो ओरली अपने विचार वगैरह ट्रांसफ़र करते थे तो उनके डिवोटीज़ बनते गए और डिवोटीज की कम्युनिटी बन गई तो पोइट सेंस एमर्ज एज लीडर्स तो उनका रोल क्या हो गया मतलब एक रीडल का लीडर का रोल निभाने लगे वो एंड डेवलप्ड अ कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज ब्राह्मण रिमेंड इम्पोर्टेंट इंटरमीडायरीज बिटवीन गोड्स एंड डिवोटिस लेकिन फिर भी जो ब्राह्मण्स थे वो क्या थे इंटरमीडायरीज मतलब एज अ मीडियम थे गोड और डिवर्टीज़ के बीच में दीज ट्रेडिशन्स ऑल्सो एकोमोडेट वुमेन एंड लोअर कास्ट जो अब हम ट्रेडिशन्स वगैरह पढ़ रहे हैं भक्ति के इन ट्रेडिशन्स में वुमन और लोअर कास्ट भी इंक्लूड थे मतलब जैसे जो वेदास वगैरह होते हैं मतलब जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स वगैरह होते थे उसमें वुमेन और लोअर कास्ट को अलाउ नहीं किया जाता था जैसे अभी कैटेगरीज़ कंसीडर्ड इन एलिजिबल फॉर लिब्रेशन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मनिकल फ्रेमवर्क तो जो ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने जमाने का जो ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था उनमें वुमेन और लोअर कास्ट को आ, क्या बोलते हैं परमिशन नहीं थी कि वो भक्ति वगैरह करे लेकिन जो ये हम ट्रेडिशंस अब पढ़ रहे हैं भक्ति ट्रेडिशंस में ही योगे जो अभी इस टाइम पे क्या बोलते हैं उभर कर आ रहे थे तो उनमें वुमेन और लोअर कास्ट को परमिशन थी कि वो भी वर्शिप वगैरह कर सकते हैं भक्ति ट्रेडिशंस क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज भक्ति ट्रेडिशंस को टू ब्रॉड कैटेगरीज के, में क्लासिफाई किया गया है फर्स्ट वन इज शगुन विद एट्रीब्यूट्स एक तो है शगुन भक्ति फ़ोकस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफ़िक डाइटीज़ इसमें क्या वर्शिप करते हैं एक स्पेसिफ़िक डाइटी की वर्शिप करते हैं जैसे विष्णु या शिवा या उनके जो अवतार्स हैं या फिर जो उनकी वाइव्स हैं मतलब गोडेसिस हैं उनके वर्शिप करना मतलब स्पेसिफिक डाइटी स्पेसिफिक गोड या गोडेस की वर्शिप करना इज नोन है शगुन शगुन कैटेगरी में आता है वो देन निर्गुन विदाउट एट्रीब्यूट्स मतलब इसमें जो भगवान है उसका कोई रूप नहीं है वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गोड मतलब बस एक ही गोड है उसका कोई रूप नहीं है रंग नहीं है मतलब बस एक आइडिया है कि हाँ भाई ये गोड है उसकी वर्शिप करना दैट इज़ नोन एज़ निर्गुण भक्ति द अलवार्स एंड द नयानार्स ऑफ तमिलनाडु तो अब हम तमिलनाडु में जो भक्ति मोमेंट्स हैं पहले उनकी स्टडी कर लेते हैं अर्लीस्ट भक्ति मोमेंट सिक्स सेंचुरी तो सिक्स सेंचुरी में सबसे पहला भक्ति मोमेंट हुआ था अलवार्स वर्शिप विष्णु जो अलवर्स हैं वो विष्णु की पूजा करते थे नयानार्स वर्शिप शिवा और जो नयानार्स है वो शिवा की वर्शिप करते थे जो विष्णु की वर्शिप करते थे उनको अलवार्स बोला है जो शिवा की वर्शिप करते थे उनको नयानार्स बोला है दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गोड्स तो वो क्या करते थे वो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते थे और जो उनके गोड्स हैं उनकी प्रेज में भजन वग़ैरह गाते रहते थे ड्यूरिंग ट्रेवल्स दे आइडेंटिफाइड सर्टेन श्राइन्स एज अबोर्ड्स ऑफ देयर चूजें डाइटी एंड लार्ज टेम्पल बिल्ट एट दी सेक्रेड प्लेसेस तो जब वो घूम घूम गुं के ये सब हाइम्स वगैरह गाते थे तो वो श्राइन बना लेते थे मतलब जो भी उनका डाइटी है उनके लिए एक श्राइन बना लेते थे और बाद में जो वो जो प्लेसेस जहाँ पे श्राइन बनाते थे वहाँ पे टेंपल्स बना दिए गए एज अ सेक्रेड प्लेस मतलब एक रिलीजियस प्लेस के तौर पे बाद में वहां पे टेंपल बना दिए गए दी डेवलप्ड ए सेंटर ऑफ पिलग्रमेज अब उसके बाद वहाँ पर मतलब पिलग्रमेज का एक सेंटर बन गया वो मतलब वहाँ पे भक्त आते वर्शिप वगैरह करते थे और जो पोइट सेंस की कॉम्पोजिशंस वगैरह जो वो घूम घूम के गाते थे वो एक टेम्पल का रिचुअल बन गया कि भई जिस गोड का श्राइन है वहाँ पे उसी गोड के जो वो हाइम्स वगैरह पहले गाते थे सेंस वगैरह वो वहाँ पर रिचुअल बन गया कि हाँ भाई प्रेयर में ये बोलने हैं या वर्शिप करते वक्त ये सब बोलने हैं मतलब किसी पर्टिकुलर गोड का श्राइन है वो एक पिलग्रिमेज का सेंटर है तो वहाँ पे भक्त जाते तो वो पूजा वगैरह करते तो उनके ही भजन वगैरह गाते थे जो ये पोइट या सेंस घूम घूम के ट्रांसफ़र किया करते थे एटीट्यूड टुवर्ड कास्ट कास्ट अब ये जो भक्ति ट्रेडिशन्स हैं इनका कास्ट के प्रति क्या एटीट्यूड था मतलब वो कास्ट सिस्टम फॉलो करते थे या नहीं करते थे अलर्स एंड नयनार्स इनिशिएटेड अ मोमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनस ऑफ ब्राह्मणास तो अलवरस एंड नयानार्स ये पहले ऐसे आ, मतलब भक्ति ट्रेडिशन्स हैं जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और ब्राह्मनार के डोमिनंस के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया मतलब ये रिफ़ॉर्म लाना चाहते थे, थे सोसाइटी में एट लीस्ट अटेम्प्टी टू रिफॉर्म दिस्टम इन्होंने एटलीस्ट ट्राई तो किया कि हम सिस्टम को रिफ़ॉर्म करें Bhaktas hailed from diverse social background, backgrounds ranging from brahmanas to artisans and cultivators and even from caste considered untouchables aur jo bhakt the na wo जैसे अब देखो इन्होंने caste system का oppose किया तो इसकी इसकी वजह से women's भी इनकी तरफ attract हुई और क्या बोलते हैं लोअर कास्ट के जो पीपल हैं वो भी इनको मानने लगे वो भी अट्रैक्ट हुए कि भाई हमारे लिए भी कोई मतलब रिफॉर्म कर रहा है सोसाइटी में तो भगताज हेल्ड फ्रॉम तो जो अलवार और नया नया के जो भक्त भक्त हैं ना वो डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करने लगे जैसे ब्राह्मण हो गए ब्राह्मण भी थे आर्टिसंस भी थे कल्टिवेटर्स भी थे इवन जो अन टच थे ना जिनको कैटेगराइज किया गया था अनटचेबल्स वो भी उनके भक्त बन गए कॉम्पोजिशन वर एज इम्पोर्टेंट एज वेदास और जो अलवर सन्यानाज के कॉम्पोज कॉम्पोजिशन है उनको उनकी इम्पोर्टेंस वेदास के बराबर बताई गई है जैसे एक तमिल वेदा है जिसका नाम क्या दिया गया है द नलायरा दिव्या प्रबंधम ये एक तमिल टेक्स्ट है और इनको जो चार वेदाज हैं संस्कृत के उनके इक्वल माना गया है नेक्स्ट इज़ वुमेन डिवोटीज अब हमने पता आ, हमें पता चला कि ये कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे तो ऑफ़कोर्स इनमें वुमेन डिवोटीज तो होंगी ही सो so, सबसे पहले अंडल अंडल एक वोमेन अलवर थी मतलब विष्णु की भक्त थी सा हर सेल्फ एज द बिलव्ड ऑफ विष्णु ये विष्णु विष्णु की प्रेमिका थी हर वर्सेस एक्सप्रेस हर लव फॉर द डाइटी और जो उसके वर्सेस होते थे जो वो वर्ड्स वगैरह यूज़ करती थी उसमें क्या एक्सप्रेस करती थी हर लव फॉर द डाइटी करिकल अमैयर नेक्स्ट वन इज करिकल अमैर अ डिवोटी ऑफ शिवा ये शिवा की डिवोटी थी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम असस्टिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तपस्या की शिव जी को पाने के लिए टू अटेन हर गोल हर कॉम्पोजिशन वर प्रिजर्व विद इन द नया नया ट्रेडिशन और जो करा कराइकल अमैर के कॉम्पोजिशंस हैं वो कहाँ पे प्रिजर्व कर रखे हैं नया नया ट्रेडिशन में दीज वमेन रीअनाउंसड देयर सोशल ऑब्लीगेशन्स बट डिड नाट जॉइन एन अल्टरनेटिव ऑर्डर टू बिक अल्टरनेटिव ऑर्डर और बिकम नन्स मतलब इन्होंने जो सोशल ऑब्लीगेशन्स थी कि वो मैन ऐसी नहीं कर सकती उनको तो रीअनाउंस कर दिया मतलब उनको त्याग दिया लेकिन ये नन नहीं बनी मतलब नन मतलब जो जैसे साध्वी वगैरह होती है जो बिल्कुल ही मोह माया त्याग देती है वैसे नहीं किया इन्होंने ये इन्होंने सोशल ऑब्लीगेशनस को तो त्यागा है लेकिन इन्होंने मोह माया नहीं त्यागी देन देयर एग्जिस्टेंस एंड देयर कॉम्पोजिशन पोजेस टू चैलेंज टू पेट्री नॉर्म्स और इनका एग्जिस्टेंस और इनके कॉम्पोजिशन एक चैलेंज थे पेट्री नॉर्म्स जो शुरू से ही चलता आया है कि फैमिली का जो हेड है वो फादर होंगे या मेल होगा उसके लिए एक चैलेंज था कि लड़की भी अ, मतलब भगवान की पूजा कर सकती है या फिर अ, लड़की भी मेट्रेचल नॉर्म्स की सोसाइटी भी हो सकती है तो नेक्स्ट इज रिलेशन विद द स्टेट तो जो ये रिलीजियस ट्रेडिशन्स थे इनके स्टेट के साथ क्या रिलेशन थे सो इम्पोर्टेंट चीवडम्स इन द तमिल रीजन इन द अर्ली फर्स्ट मिलेम सी ई फर्स्ट मिलेम सी सी ई से ही तमिल रीजन में इम्पोर्टेंट चीवडम्स मिले हैं जैसे फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेम सी ई फर्स्ट मिलेम सी ई के सेकेंड हाफ के बाद एविडेंस मिला है पल्लवाज एंड पांड्याज का जिनका रूलिंग टाइम पीरियड है सिक्स टू नाइन्थ सेंचुरी सी ई दैन रिलीजियस ट्रेडिशंस रिसिव्ड ओकेजनल रॉयल पेट्रोनेज अब रॉयल पेटर्नेज क्या होती है रिलीजियस ट्रडिशन रिसीव करते थे रॉयल पेट्रोनेज रॉयल पेटर्नेज मतलब जो रूलर्स वगैरह हैं वो रिलीजियस ट्रडिशन को सपोर्ट करें उनको टेम्पल्स वगैरह बनवा के दें ठीक है दैट इज़ नोन एज रिलीजियस ट्रेडिशंस इससे क्या होगा जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं वो एक्सपेंड करेंगे मतलब उनके टेम्पल्स वगैरह इंक्रीज कर दें तो डिवॉर्टीज भी इंक्रीज होंगे दैन पोइट्स ऑफ तमिल भक्ति हाइम्स अपोज़ बुद्धिज़म एंड जैनिज़म कम्पोजिशन ऑफ नयन आर्स तो जो नयनार्स के कॉम्पोजिशन मिले हैं उसमें ये मैशन किया गया है कि जो तमिल भक्ति हाइम्स के पोइट्स हैं वो अपोज करते थे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़म को ये किस लिए होता था हिस्टोरियंस को ये इसलिए लगता है क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन था रॉयल पेट्रोनेज के लिए सारे रिलीजियस एडिशंस के बीच में कंपटीशन होता रहता था कि भाई मुझे रॉयल पेट्रोनेज मिले हमारे लिए टेंपल्स बनवाए या फिर हमारे लिए लाइन ग्रांट्स वगैरह हुए तो वो एक दूसरे को अपोज करते रहते थे, थे कॉम्पिटिशन के चक्कर में चोला रूलर्स एफर्ट्स फॉर रॉयल पेट्रोनेज अब रूलर्स चलो रिलीजियस ट्रेडिशंस को तो फ़ायदा हो जाता था कि उनके टेंपल वगैरह बन गए उनके डाइटी वगैरह की वर्शप वर्शिप वगैरह एक्सपेंड हो गई लेकिन रूलर्स को क्या फ़ायदा होता था, था रॉयल पेट्रोनेज दे के अब एक बात बताओ जो रूलर्स की प्रजा है वो रिलीजियस ट्रेडिशंस में बिलीव करती थी अगर जिस ट्रेडिशन में ज़्यादा वो मानते हैं प्रजा वगैरह अगर वो उसी को रॉयल पैट्रेज दे तो जो प्रजा है वो उसकी साइड हो जाएगी मतलब वो प्रजा है अपने राजा की रिस्पेक्ट करने लगेगी उसकी बातें मानने लगेगी ताकि उनका रूल अच्छा चले इसलिए जो रूलर्स वगैरह है वो रॉयल पेट्रोनिज देते थे नेक्स्ट इज तो चोला रूलर्स क्या क्या करते थे रॉयल पेट्रोनिज देने के लिए सपोर्ट ब्राह्मीकल एंड भक्ति ट्रेडिशन अब कुछ पीजेंट्स भक्ति ट्रेडिशन जैसे अलवार नयनर को फॉलो करते थे या कुछ ब्राह्मिकल ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे तो वो दोनों को सपोर्ट करने लगे देन मेकिंग लैंड ग्रांट्स या फिर लैंड ग्रांट्स वगैरह देने लगे दैन कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स और विष्णु और शिव जी के टेम्पल्स बनवाने लगे नेक्स्ट इज सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर रिप्रजेंटेशन ऑफ शिवा इन ब्रॉन्स कप्चर व प्रोड्यूस्ड ट्राई टू विन द सपोर्ट ऑफ नयन आर्ट्स अब नयन आर्स का सपोर्ट विन करने के लिए क्या किया शिव जी की ब्रॉन्ज स्कप्चर बना बना दिया गया ताकि वो नायन आर्स को रिप्रेजेंट करें शिवजी के ब्रॉन्ज स्कल्प्चर प्रोड्यूस किए गए नेक्स्ट इज बहुत अलवर्स एंड नयानार्स वेवरड बाय वेलाला पीजेंट्स अब मोस्टली वेलाला पीजेंट्स थे वो चोला रूलर्स की प्रजा थे वो वेलाला पीजेंट्स थे और वो अलवार्स एंड नयानार्स दोनों को फॉलो करते थे तो रूलर्स क्या करते थे कि अपना जो रॉयल पैटोनीज है वो अलवर्स को भी दे देते दे दे थे और नयनार्स को भी दे देते दे दे थे तो इससे वो वेला पीजेंट्स का सपोर्ट वन कर रहे थे चोला रूलर्स अटेम्प्टेड टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ओन आउन पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग स्पलेंडिड टेंपल्स और जो चोला रूलर्स थे वो क्या क्लेम करते थे कि भाई हम भगवान के बच्चे हैं हमें भगवान ने भेजा है और अपनी पावर या स्टेटस दिखाते थे स्पलेंडिड टेंपल्स बनवा के मतलब महंगे महंगे टेंपल्स बनवा के वो ये दिखाते थे कि हमारे पास इतना पावर है हमारे पास इतना स्टेटस है इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूस सिंगिंग ऑफ तमिल शावा हाइम्स इससे पहले एक और पॉइंट है कि जो वो स्पलेंडेड टेम्पल्स बनवाते थे ना वो डोंट विद स्टोन मतलब स्टोन से सजाते थे और या फिर जो स्कल्पचर वगैरह होते हैं वो मेटल के बनवाए जाते थे ताकि जो सन्स वगैरह हैं उनकी जो पिक्चर है वो रिक्रिएट किए जाए मतलब उनके स्कल्पचर बनवा देते थे मेटल से इन रूलर्स ने क्या किया कि जो भी तमिल शेवा हाइम्स थे जो भी वो हाइम्स वगैरह बोलते थे उनको मतलब उनकी सिंगिंग इंट्रोड्यूस कर दी टेंपल्स वगैरह जो वो बनवाते थे उनके अंदर फॉर एग्जांपल कि शिवजी का टेंपल बनवाया ठीक है उसके अंदर शिवजी के ही हाइम्स मतलब इंट्रोड्यूस करवाए कि शिवजी के भजन गाओ रॉयल पेट्रोनेज के अंडर ठीक है और उन्होंने एक और इनिशिएटिव किया टेकिंग द इनिशियेटिव टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज इट इंटू अ टेक्सट और जो शिव जी वगैरह के जो हाइम्स वगैरह हैं तमिल के जो भी हाइम्स हैं उनको कलेक्ट करना और एक टेक्स्ट में ऑर्गेनाइज करना उस टेक्स्ट का नाम है तेवरम ताकि मतलब उनके पास एक कलेक्शन रहे देन चोला रूलर परांटका वन हैज हैड कंसिक्रेटिड मेटल इमेज और एक चोला रूलर थे उनका नाम है परांटका वन उन्होंने मेटल इमेज बनवाई किस किसकी अपार समबंदर एंड सुंदरा इन शिवर टेम्पल एक शिवर टेम्पल में उन्होंने आ, अपार संबंदर और सुंदर की मेटल इमेजेस बनवाई तो ये मतलब एज कि भाई जैसे सेंस है उनका बर्थ हुआ उनके नाम पे टेंपल रख दिया या फिर फेस्टिवल बनाए गए तो ये जो भी पोइट सेंस वगैरह हैं इनके नाम पे भजन भी शुरू हो गए टेंपल भी बन गए ऐसे ऐसे करके चोरा चोला रूलर है ये जो अपनी प्रजा है उनका सपोर्ट विन कर रही थे अब इसके कुछ एम देख लेते हैं Dash emerged as leaders around whom they developed a community of devotees. So options are kings, brahmanas, poets, and chiefs. So poets, sense is right option. Next is dash remained important intermediaries between gods and devotees in several forms of bhakti. Brahmanas are intermediaries. Toh. दैन कैटेगरीज कंसिडर्ड इन एलिजिबल फॉर लिब्रेशन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मनिकल फ्रेमवर्क तो ऐसी जो कौन कौन सी कैटेगरीज है जिनको वर्शिप वगैरह से बाहर रखा जाता था अकॉर्डिंग टू ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क तो दोनों ही वुमेन एंड लोअर कास्ट बोथ हिस्टोरियंस क्लासीफाई भक्ति ट्रेडिशन इन हाउ मैनी कैटेगरीज तो जो भक्ति ट्रेडिशंस थे उनको कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है टू शगुन एंड निर्गुन देन नेक्स्ट इज विच गॉड वर्शिप विद इन द सगुन ट्रेडिशन जो शगुन ट्रेडिशन है उसके अंदर कौन से गोड की पूजा की जाती थी ऑप्शन विष्णु शिवा देवी ओल सो राइट ऑप्शन इज ओल नेक्स्ट इज वट इज निर्गुणा भक्ति निर्गुना भक्ति क्या है वर्शिप ऑफ गोड्स वर्शिप ऑफ एन एब्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गोड टेम्पलेट टाइप ऑफ गॉड्स तो सभी को पता है वर्शिप ऑफ एन एब्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गोड जिसका कोई रंग रूप नहीं है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऐसी फॉर्म का वर्शिप करना हु आर अलवर्स अलवर्स कौन थे डिवोशन टू गॉड डिवोशन टू विष्णु डिवोशन टू शिवा नन ऑफ दिस देखो uh, मेरे टाइम रिबोर्ड में क्वेश्चन आया था जिसका जिसमें यह था कि अलवर्स किसको फॉलो करते हैं एस एम सी क्यू था और नैन किसको फॉलो करते हैं तो मैंने दोनों का आंसर ओपोजिट कर दिया था कन्फ्यूजन के चक्कर में लेकिन आपको याद रखना है मतलब एक मार्क्स कट गया था वो सी बात है तो आपको याद रखना है अलवर्स विष्णु के डिवोटी थे अलवर्स विष्णु अलवर्स विष्णु सो so, राइट right ऑप्शन इज डिवोशन टू विष्णु नेक्स्ट इज हु आर नयानार्स नयानार्स कौन थे अब शिवा ही बच गए तो डिवोशन टू शिवा नेक्स्ट इज दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन डैश इन प्रेज ऑफ गॉड्स तो कौन सी लैंग्वेज में वो अपने हाइम्स गाते थे अभी हम तमिल के ट्रेडिशंस पढ़ रहे हैं तो तमिल लैंग्वेज में ही गाते होंगे सो राइट ऑप्शन इज तमिल नेक्स्ट इज हु इनिशिएटेड द मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणाज सबसे पहले रिफॉर्म करने का किसने ट्राई किया आलवर्स एनर्स दोनों ने ही सो बोथ भक्ताज हेल्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड ऑप्शन आर ब्राह्मण आर्टिसंस अटचेबल्स ऑल तो अनटचेबल्स टचल्स भी इंक्लूडेड थे राइट ऑप्शन इज ऑल नेक्स्ट इज हाउ मेनी वेदास सिग्निफिकेंट बाय ब्राह्मणास तो ब्राह्मणास के अकॉर्डिंग कितने वेदास थे फाइव फोर थ्री टू सो राइट ऑप्शन इज फोर नेक्स्ट इज तमिल वेदा इज़ ऑल्सो एज तमिल वेदा का नाम बताओ अलवर्स दिव्या प्रबंधम संस्कृत नन ऑफ अबव वैसे इसमें से दिव्या प्रबंधम है लेकिन उसका पूरा नाम है द नलायरा दिव्या प्रबंधम इन टेंचुरी द कॉम्पोजिशन ऑफ ट्वेल्व अलवर्स वर कम्पाइल्ड इन एन एंथोलॉजी नॉन एज ये भाई साइड में एक बॉक्स गिवन है आ, बुक में तो उसमें क्या मेंशन किया गया है टेंथ सेंचुरी में बारह अलवर्स के कॉम्पोजिशन कंपाइल किए गए थे एक एंथोलॉजी में उसका नाम क्या है वही तमिल वेदा दिव्या प्रबंधम दाना लायरा दिव्या प्रबंधम है उसका नाम नेक्स्ट इज डैश सो हर सेल्फ एज बिलव्ड ऑफ गॉड कौन अपने आप को बिलव्ड ऑफ गॉड नहीं विष्णु विष्णु का बिलव्ड मानती थी विष्णु के uh, जो पूजा करते थे वो अलवर और वुमेन अलवर कौन थी अंडल सो राइट ऑप्शन इज अंडल नेक्स्ट इज अ डिवोटी ऑफ शिवा अडोप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम असेस्टिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल तो करिकल अमैयर अभी हमने ये स्टडी किया ही है दैन नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर इन थर्टीन टू फोर्टीन सेंचुरी थर्टीन और फोर्टीन सेंचुरी का मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर क्या था वुमेन राइट ऑप्शन इज वुमेन नेक्स्ट इज वट इज़ द रोल ऑफ वुमेन इन थर्टीन सेंचुरी थर्टीन सेंचुरी में वुमेन का क्या रोल था डिवॉर्ट इज गॉड बोथे एंड भी नन ऑफ दिस अब बोथे एंड भी मत कराना डिवोर्ट इज ऑनली आएगा नेक्स्ट इज पल्लवाज एंड पांड्याज रूल बिटवीन ये भी हमने स्टडी किया ही है सिक्स टू नाइन्थ सेंचुरी के बीच में रूल करते थे मिड फर्स्ट मिलीनियम सी के बाद से सेकेंड हाफ हो गया उसका पॉइट्स ऑफ तमिल भक्ति स्टार्टेड टू शो देअर अपोजिशन टू जो तमिल भक्ति के पॉइट्स थे वो किसको अपोज करते थे बुद्धिज़्म जैनिज्म बोथ नन तो दोनों को अपोज करते थे बोथ नेक्स्ट इज हिस्टोरियंस हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन हॉस्टेलिटी अमंग रिलीजियस ट्रेडिशंस बाय सजेस्टिंग दैट इट वाज ड्यू टू कंपटीशन फॉर रॉयल पेट्रोनेज तो जो हॉस्टिलिटी थी रिलीजियस ट्रेडिशंस के बीच में उसका क्या रीज़न बताया हिस्टोरियंस ने कि उनके बीच में कॉम्पिटिशन था रॉयल पेट्रोनेज के लिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है सो ट्रू है नेक्स्ट इज़ विच रूलर इज़ द पावरफुल रूलर इन नाइन टू थर्टीन सेंचुरी नाइन टू थर्टीन सेंचुरी में कौन पावरफुल रूलर थे राइट ऑप्शन इज चोला नेक्स्ट इज ऑल ऑफ अब मत कराना वट द थिंग्स चोला रूलर्स डू टू विन द सपोर्ट ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस अब रिलीजियस ट्रेडिशंस का सपोर्ट विन करने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए सपोर्ट ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस मेकिंग लैंड ग्रैंड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स ऑल ऑफ अब सो सारा कुछ किया ऑल ऑफ अबव द टेम्पल्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड अंडर अंडर द पेट्रेज ऑफ चोला रूलर्स अब चोला रूलर्स ने जो टेम्पल्स बनवाए थे उनके नाम बताने हैं ऑप्शंस है, है चिडम्बरम थंजावुर गंगाई कोंडा चोलापुरम गंगाई कोंडा चोलापुरम ऑल ऑफ ओब तो ये तीनों बनवाए थे उन्होंने चोला रूलर्स ने ऑल ऑफ ओब इज राइट ऑप्शन शिवा टेम्पल्स एट चिडाम्बरम वर कंस्ट्रक्टेड बाय विच रूलर कौन से रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे चोरा, चोला रूलर हमें पता ही है देन डैश वर बाय बायला पीजेंट्स ऑप्शन है अलवर्स नैनर्स बोथ नन सो राइट ऑप्शन इज बोथ नेक्स्ट इज द चोला किंग ट्राई टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट ऑफ विच मटीरियल जो चोला किंग है उन्होंने डिवाइन सपोर्ट कौन से मटीरियल का क्लेम uh, किया स्टोन एंड मेटल गोल्ड एंड सिल्वर रॉक्स नन ऑफ दीज तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा है डिवाइन सपोर्ट तो किसका बोलते थे वो कि भाई हमें भगवान ने भेजा है लेकिन वो भगवान की मूर्ति वगैरह बनवाते थे ना तो उसका डिवाइन सपोर्ट क्लेम करते थे और वो मूर्ति किससे बनी होती थी स्टोन एंड मेटल से स्टोन और मेटल स्कल्पचर से सो राइट ऑप्शन इज स्टोन एंड मेटल रूलर्स टेक द इनिशिएटिव टू कलेक्ट द टमिल शेवा हाइम्स एंड ऑर्गेनाइज दैम इन टू अ टेक्सट शेवाराम तो ये ट्रू है या फॉल्स है कि जो रूलर्स थे उन्होंने तमिल शेवा हाइम्स को कलेक्ट किया और ऑर्गेनाइज किया और एक टेक्स्ट में शेवाराम सो दिस इज़ फोल्स उस टेक्स्ट का नाम है तेवाराम नोट शेवाराम टेक्स्ट का नाम है तेवाराम अराउंड नाइन फोर्टी फाइव चोला रूलर्स पर परांटका वन हैड कंसिक्रेटेड द मेटल इमेजेस ऑफ अपार संबंधर सुंदारर ऑल ऑफ अबव सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव आइडेंटिफाई द इमेज तो इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है हमें ये है डिवोटी ऑफ शिवा करिकल अमैय नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इमेज ये क्या है एन इमेज ऑफ द शिवा एज नटराजा ये शिवजी की इमेज है एज अ नटराजा मतलब ये डांस कर रहे हैं